इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा एंड क्लासिफिकेशन कंपाइलेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम 15 to 29 1 to 15 तक हमने पार्ट टू में पढ़े थे ऑलरेडी। वो अगर आपने नहीं देखे उनको ज़रूर देखिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ कलेक्शन ऑफ डेटा में है, वो सब मौजूद है वहाँ पर वीडियोज, वो आप देख सकते हो। Now, 15th question is, questionnaire is the most common instrument used in collecting primary data, collecting secondary data, both A and B, none. तो मैं आपको बीच बीच में टाइम दे दूंगा सभी क्वेश्चन को ताकि आप भी आंसर बताइए, बाद में मैं आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है collecting primary data। क्यों? क्वेश्चन ईयर मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है, क्वेश्चन ईयर छोटी सी बुकलेट होती है जिस बुकलेट के जरिए से हम उसको हाथ में लेके उस रेस्पोंडेंट के पास जाते हैं, घर वाले के पास जाते हैं, किसी फैक्ट्री के पास जाते हैं, उससे हम उन क्वेश्चंस का आंसर मांगते हैं। वो क्वेश्चंस एक्चुअली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं जो हमें ज़रूरत है। तो क्वेश्चन ईयर हम यूज़ करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक क्वेश्चन ईयर बना जाता है और उस क्वेश्चन ईयर के जरिए से हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन का आंसर इज ए पार्ट, दैट इज कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए क्वेश्चन ईयर इज एनी रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशंस, सर्वेज, लैंग्वेजेस। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चंस। क्यों? क्वेश्चन ईयर वो रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिखे होते हैं। उन क्वेश्चंस को या तो टिक क्रॉस के जरिए से भी हम आंसर ले सकते हैं या यस नो के जरिए से भी आंसर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन ईयर एक्चुअली होता है वो बेसिकली एक रिटन सेट ऑफ क्वेश्चन ही होता है, ऑब्जर्वेशंस नहीं होता है, सर्वेस नहीं होता, लैंग्वेज नहीं होता। तो क्वेश्चन ईयर एक क्वेश्चंस का छोटा सा बुकलेट, रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिससे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर पहला पार्ट है क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए क्वेश्चन ईयर इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, मनी, न्यूज, ऑल ऑफ देम। इसका करेक्ट आंसर है डेटा। क्वेश्चन ईयर हम यूज करते हैं, ये एक प्रोसेस है जिससे हम कलेक्ट करते हैं डेटा, मनी नहीं, न्यूज़ नहीं, क्योंकि न्यूज़ भी हम इससे कलेक्ट नहीं करते हैं, न्यूज़ एक अलग है सेक्शन। तो ऑल ऑफ देम ये बनी। तो इसका आंसर यहाँ पर ए पार्ट है। क्वेश्चन ईयर हम यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जिससे हम कलेक्ट करते हैं डेटा इन द फील्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेटा, इन में से कौन कौन डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सिंगल वैल्यू, ओनली टू वैल्यूज इन सेट, ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन सेट, नन ऑफ द एल्बो। इसका करेक्ट आंसर है ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन सेट, क्योंकि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं फील्ड से वो डिफरेंट टाइप का डेटा, कोई भी डेटा आप कलेक्ट करिए, जैसे सेंसिस आप कलेक्ट करते हो, सेंसिस में हम बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे चीज़ से रिलेटेड और इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो सिंगल वैल्यू नहीं होता है, टू वैल्यूज नहीं, बल्कि एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज बन जाता है। उसमें बहुत बहुत सारे वैल्यूज आते हैं तो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ही नाम से, डेटा। तो इसका आंसर ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन ए सेट, विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेटा, ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन ए सेट दैट रिप्रेजेंट्स द डेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेल्ड क्वेश्चन ईयर मेथड ऑफ इंक्वायरी कैन बी अडॉप्टेड इफ रेस्पोंडेंट्स, जो मेल हम भेजते हैं या मेल्ड क्वेश्चन ईयर हम भेजते हैं, यहाँ तो नहीं है, इंडिया में नहीं है, बाहर के कंट्रीज में है ये। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, मेल्ड क्वेश्चन ईयर मेथड इंक्वायरी कैन बी अडॉप्टेड, ये कहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं, वहाँ पर रेस्पोंडेंट्स जिनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो कैसे होने चाहिए।
lives in cities, have high income, are educated, are known? आपका आंसर, इसका करेक्ट आंसर है आर एजुकेटेड. क्यों? जो क्वेश्चनियर मेल हम करते हैं, अगर हम क्वेश्चनियर मेल के जरिए से भेजेंगे तो मेल के जरिए से जिसके पास हम क्वेश्चनियर भेज देंगे तो उसको उसका रिप्लाई पूरा वो बुकलेट उसमें सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद वापस मेल करना है या डिजिटली या ऑफलाइन में. तो अगर हम इस रेस्पोंडेंट के पास ये मेल भेज देंगे तो इसको फिल करना है, ये अगेन वापस फिल करना है और भेज देना है वापस, जिसके लिए इसके पास जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए दैट इज एजुकेशन. जब ये पूरा एजुकेटेड कम्युनिटी होगी, पॉपुलेशन होगी, तभी ही हम मेलड क्वेश्चनियर भेज सकते हैं. क्योंकि आज तो जो हम आज के यहाँ पर इंडिया में जो फील्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं, फील्ड डाटा कलेक्ट करते हैं, वो क्वेश्चनियर को मेल नहीं किया जाता, बल्कि क्वेश्चनियर एक एम्प्लॉय हाथ में लेके रेस्पोंडेंट के पास जाता है और उससे उस क्वेश्चनियर बुकलेट को वो खुद पढ़ता है और इससे पूछता है वहाँ के इस फील्ड में इस बंदे से. पूछने के बाद उस क्वेश्चनियर उस क्वेश्चन बुकलेट को खुद फिल करता है और वापस गवर्नमेंट को भेज देता है. लेकिन यहाँ पर जो मेल्ड क्वेश्चनियर अगर हमें भेजना है तो इसके लिए तो जो रेस्पोंडेंट से लिविंग इन सिटीज, ये भी नहीं, हैव हाई इनकम, इनकम का कोई इसमें काम ही नहीं है, वो सभी एजुकेटेड होने चाहिए. जब वो पूरे एजुकेटेड होंगे तब ही हम क्वेश्चनियर को मेल के जरिए से भेज के वहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड यहाँ नहीं चल रहा है, ये हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी, हाईली एजुकेटेड स्टेट्स में काम आ सकता है. Now next question is, the data obtained from newspaper Economic Times, एक newspaper है, is referred to as, जो data हम newspaper को पढ़ने के बाद collect करते हैं तो उस data को हम कौन सा data नाम देंगे? Primary data, secondary data, documentary source, none of the above. इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी डेटा. मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में पढ़ाया, प्रीवियस क्लास में, जो डेटा हम पब्लिश्ड सोर्सेस से लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो या एनजीओ पब्लिकेशंस हो या न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस हो या प्राइवेट सेक्टर का पब्लिकेशन हो तो या रिसर्च स्कॉलर्स की पब्लिकेशन हो, किसी भी पब्लिकेशन से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा. ये सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है, ऑलरेडी कलेक्ट की है किसी ने. तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन वो है जो डायरेक्ट हम स्टैटिस्टिकल यूनिट से ही डायरेक्ट लेते हैं. सेकेंडरी इंफॉर्मेशन वो है जो हम प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ली है, उसी से हम सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बनाते हैं. ऑलरेडी मैंने आपको समझाया, तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम न्यूज़पेपर से लेते हैं वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है. दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर सेकेंडरी डेटा है, नॉट डॉक्यूमेंट्री सोर्स, नॉट प्राइमरी डेटा, बल्कि सेकेंडरी डेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेड्यूल इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग. शेड्यूल एक क्वेश्चनियर की तरह एक बुकलेट होता है. मैंने आपको कुछ क्लासेस में सिखाया है, वो दिखाया था उसके एग्जाम्पल्स. शेड्यूल में इसको देख लीजिए आप, ये शेड्यूल की एक एग्जाम्पल है. यहाँ पर देख लीजिए नेम, रिलेशन, देखो क्वेश्चन कैसे है, वन टू कोड के जरिए से यहाँ पर रिप्लाई करना पड़ता है. एज, मैरिटल स्टेटस कोड, जनरल एजुकेशन कोड, तो ये शेड्यूल की एग्जाम्पल है इस टाइप का. इसमें क्वेश्चन से होते हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट के टाइप के वहाँ पर आंसर देना पड़ता है. तो शेड्यूल भी क्वेश्चनियर की तरह ही एक बुकलेट होता है जिसमें इधर से ही उसको डिजिटली हम रिप्लाई कर देते हैं. अब क्वेश्चन है, शेड्यूल को हम यूज़ करते हैं कलेक्ट करने के लिए. क्या कलेक्ट करने के लिए? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, ऑल ऑफ द एबो. शेड्यूल को हम यूज़ करते हैं
प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि शेड्यूल एक इन्वेस्टिगेटर हाथ में लेके रेस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं और वहाँ से वो आंसर लेके उस शेड्यूल पे कोड्स भरते जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं शेड्यूल के ज़रिए से, हम इस डेटा को, ये डेटा जो कलेक्ट करते हैं, ये प्राइमरी डेटा कहलाता है। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट है प्राइमरी डेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चनियर शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चनियर जब आप बनाओगे, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा क्वेश्चनियर की, पहले आपको ये क्वेश्चनियर देख लीजिए, आर यू मेंबर ऑफ क्योटा, यस नो, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा। इसी तरह से क्वेश्चनियर जो हम बनाते हैं उसमें क्वेश्चन जो बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चनियर शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए, 12, 30, 10, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। आपका आंसर, इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि क्वेश्चन जब हमें फ्रेम करने हैं क्वेश्चनियर के लिए, उन क्वेश्चंस को हम जब फ्रेम करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है, जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहे, उतने ही क्वेश्चंस हम फ्रेम कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कितने क्वेश्चन हम डालेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितने क्वेश्चंस में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो, उतने क्वेश्चंस हम क्वेश्चनियर में डालते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर डी पार्ट है कि क्वेश्चनियर का कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चंस का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टैटिस्टिकल स्टडी बिगिंस विद द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एंड्स विद स्टैटिस्टिकल स्टडी। जब शुरू होती है, इसका बेसिक जो पहला पॉइंट है, पहला जो इसका स्टार्ट का पॉइंट है, वो है कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन करना, एंड एंड्स विद, ये बोल रहा है जब आप डेटा कलेक्ट करते हो स्टैटिस्टिकल स्टडी में, तो फिर बताइए इस डेटा को, इसका एंड कहाँ पर होता है, इस डेटा को यहाँ पर क्लोज कहाँ करते हैं, कोई प्लेस तो होगा जहाँ पर इसको स्टॉप किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका सी पार्ट, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। क्योंकि जब हम स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टडी का बेस डेटा कलेक्शन से, उस डेटा कलेक्ट डेटा को फिर हम टेबुलेशन करते हैं, कंपाइल भी करते हैं, कंपाइल करने के बाद, टेबुलेशन करने के बाद हम उसका लास्ट पे रिजल्ट देखते हैं, उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो जो रिजल्ट के पॉइंट पे जब पहुंच जाते हैं, उसको इंटरप्रिट या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। जो हम, आई मीन, पूरा डेटा को हमने एक इंजन में फिट कर दिया, वहाँ से इसने हमें कुछ रिजल्ट दे दिया, उस रिजल्ट को हम वर्ल्ड में भेज देते हैं, ये हमारे डेटा से ये इंटरप्रिटेशन आ गया। तो दैट्स वाई स्टैटिस्टिकल स्टडी, इसका एंड कलेक्शन ऑफ डेटा इसका स्टार्ट है, लेकिन एंड होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम इट इज कॉल्ड। जब डेटा को हम डायग्राम के जरिए से दिखाते हैं, तो बहुत सारे डायग्राम में से पाई चार्ट, हिस्टोग्राम या ओक्यू करो या बाकी जो ग्राफ्स हैं जिनके जरिए से हम डेटा को दिखाते हैं डायग्राम के जरिए से, तो हिस्टोग्राम, तो इस डायग्राम के जरिए से हम डेटा के रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, क्वालिटेटिव डेटा, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, क्योंकि डेटा को हम जब डायग्राम के जरिए से दिखाएंगे तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही बन जाती है। नेक्स्ट इज, द डेटा कलेक्टेड थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। जो भी डेटा हम इंटरनेट से लेते हैं, इंटरनेट तो सेकंड ही सोर्स बन जाता है, तो उस डेटा को हम क्या कहेंगे, कौन सा नाम देंगे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, डॉक्यूमेंट्री सोर्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी डेटा। जो डेटा हम इंटरनेट से लेते हैं, इंटरनेट से कलेक्ट करते हैं, वो सेकेंडरी सोर्स बन जाता है, सेकेंडरी डेटा उसको हम
कहते हैं इसे। नेक्स्ट इज सैंपल इज ए फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज पॉपुलेशन इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज ऑल ऑफ द अबव। आपने देखा होगा जब किसी डिस्ट्रिक्ट की सर्वे होती तो उस डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज़ जैसे एग्रीकल्चर डैमेज कौन कौन सी बीमारियां लग गई है एग्रीकल्चर को तो ये देखना है। तो इसमें थोड़े ही पूरे सभी एग्रीकल्चर को देखा जाएगा नहीं बल्कि थोड़े से कुछ यूनिट्स निकाले जाएंगे 10 20 30 40 या 100 यूनिट्स। तो वो जो 100 यूनिट्स हम लेंगे 100 सैंपल यूनिट्स उसको हम सैंपल कहते हैं छोटा नाम देते हैं हमने सैंपल ली इस डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से सैंपल लिया और इससे हमें रिजल्ट देना है। ये सैंपल क्या होता है एक्चुअली फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज पॉपुलेशन इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज ऑल ऑफ देम। ये सैंपल अगर आपने देखा होगा पढ़ा होगा मैंने ऑलरेडी पढ़ा है ये क्लासेस सैंपल इज फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज इसमें गिने चुने कुछ यूनिट्स हम लेते हैं पॉपुलेशन से और उन्हीं से हम रिजल्ट दे के उस पूरे डिस्ट्रिक्ट पे हम डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट दिखाते मान लेते हैं कि इसका यही है। तो सैंपल इज ए फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज इसका आंसर ए पार्ट। नेक्स्ट इज विच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन ऑफ द डेटा। जब हम डेटा को टेबुलेशन में डालते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टेबुलेशन करने की क्यों करते हैं हम टेबुलेशन ऑफ डेटा। टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन मिनिमम स्पेस टू डिटेक्ट एरर्स इन द फैक्ट्स टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग ऑल ऑफ देम। तो आपका आंसर इसका करेक्ट आंसर है टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग। टेबुलेशन हम इसलिए करते हैं ताकि इस डेटा को स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इसको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के लिए हमें भेजना है जहाँ से इसका रिजल्ट निकल आएगा। इससे हमें बहुत सारे कंक्लूजन निकलेंगे बहुत सारे पैरामीटर्स निकलेंगे तो वो पैरामीटर्स निकालने के लिए हम टेबुलेशन करते हैं। तो टेबुलेशन इसलिए करते हैं ताकि स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग करने में बहुत आसानी हो। तो इसका आंसर सी पार्ट। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ टेबुलेशन ऑफ डेटा इज सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन रोज सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन कॉलम्स सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन रोज एंड कॉलम्स ऑल ऑफ द अबव। मीन्स ऑफ टेबुलेशन टेबुलेशन क्यों करते हैं हम डेटा का तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट है। टेबुलेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो ये डेटा है ये प्रेजेंट हो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स में जब हम इसको टेबुलेट करते हैं उसके बाद इसका रिजल्ट निकालना आसान होता है। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड frequency distribution, tabulation, cumulative frequency distribution, all of them. Frequency distribution जिसमें frequency आती है frequency का एक distribution बन जाता है। tabulation question पूछ रहा है data को क्यों हम arrange rows and columns में करते हैं। data को इसलिए हम arrange rows and columns करते हैं ताकि इसका tabulation हो। तो इस arrangement को हम कहते हैं tabulation ना कि frequency distribution ना कि cumulative frequency distribution। ये दूसरे distribution को cumulative frequency distribution बोलते हैं। तो इसका correct answer B part। Now next is the largest value is 60 and the smallest value is 40 and the number of classes desired is 5 then class interval is। अच्छा question है question पूछ रहा है हमसे कि largest value जो data से वो 60 है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 40 है। बहुत सारे वैल्यूज है डाटा में ये पता नहीं कितने वैल्यूज है मैं मान लेता हूँ 200 100 50 जितने भी। तो हाईएस्ट वैल्यू ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। अब उसके आगे क्या बोल रहा है एंड द नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड आप जितने भी इसको क्लासेस बनाने हैं वो 5 चाहिए इसको देन क्लास इंटरवल इज इसको 5 ही क्लास बनाने हैं। मैं दिखाता हूँ आपको ये क्लास क्या होते हैं। ये आपने देखा होगा डाटा में जब कोई भी आपका क्वेश्चन होता है उस टाइप के इंटरवल होते हैं 5 to 10 10 to 15। ये बता रहा है कि इसको इस डाटा के लिए सिर्फ 5 ही क्लासेस चाहिए लेकिन पता नहीं क्या। फिर ये पूछ रहा है देन क्लास इंटरवल इज आप कितने क्लास इंटरवल
आपने बनाने, कितने क्लास ऑफ इंटरवल आएंगे इसमें, इसके लिए फार्मूला है 60 माइनस 40। अब कितने चाहिए इसको, 5, विच इज इक्वल टू 60 माइनस 40 इज 20 डिवाइड बाई 5। 5 वन्स आर 5 फोर्स। 4 क्लास इंटरवल इसमें आएंगे, इसके क्लास इंटरवल इज 4। करेक्ट आंसर बी पार्ट। तो इसका जो क्लास इंटरवल रहेगा वो 4 रहेगा, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर। ये थे 15 to 20 टाइम तक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको हेल्प करेंगे ये प्रेजेंटेशन अपडेटा एंड क्लासिफिकेशन अपडेटा समझ में। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर, मुझे लगे कि क्वेश्चन कमेंट आपने किया तो मैं देखता हूँ, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।